सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां उरी सेक्टर के रुस्तम इलाके में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीज फायर और फायरिंग की है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से सीमा पार से फायरिंग हो रही है और जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उरी के रुस्तम इलाके की हम बात कर रहे हैं जहां पर फायरिंग हो रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए और जानकारी के साथ। अजय, क्या है इस समय की ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, उरी सेक्टर ये वही सेक्टर है जहां पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार जो है आतंकी घुसपैठ के लिए फायरिंग कर रहा था। आज फिर पाकिस्तान की तरफ से इसी इलाके में उरी सेक्टर में फायरिंग की गई है, जिसमें रुस्तम और उसके आसपास की जो चौकियां हैं उस पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना भी दे रही है। मगर पाकिस्तान अपनी जो नापाक हरकत है वो फिर करता है और बार बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। पिछले दिनों भी जो फायरिंग हुई है यहाँ वहाँ सिविलियंस को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 सिविलियन जख्मी हो गए थे। हालांकि प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायतें दी हैं, कुछ लोगों को पहले ही वहां से इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगह पर लाया गया है और भारतीय सेना जो है वो कार्रवाई कर रही है। आपको बताऊं, 2 दिन पहले जो भारतीय सेना की कार्रवाई थी वहां, उसके बाद जो है इस इलाके में पाकिस्तानी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उससे 2 पाकिस्तान की चौकियां जो है वो नष्ट की गई थी और कुछ जवान जो है पाकिस्तान के उनकी भी कैजुअल्टी हुई थी। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो उरी सेक्टर के रुस्तम इलाके में पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, बर्फ पिघलने लगी है और घाटी में शांति फैलाने का एक कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है।